तो हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि आप लोग जो है i5-3570 के प्रोसेसर में आप लोग कैसे जो है आप लोग फ्री फायर कैसे आप लोग गेम प्ले खेल पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे टास्क मैनेजर में, तो यहाँ पर टास्क मैनेजर में आप लोग देख लो पहले। तो ये मेरे पास है i5-3570 के CPU। तो पहले मैंने गेम को रन किया था, 8 GB रैम है इसमें, और इसमें जो कि हार्ड डिस्क है और एक SSD है। तो मैंने जो गेम उस बार मैंने आप लोगों को गेम खेल के दिखाया था इस प्रोसेसर में, तो FPS नहीं चेक किया था। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा FPS कितना आता है। तो मेरे पास जो है MSI ऐप प्लेयर है, तो मैं इसको जो है ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप लोग को गेम में कितने FPS मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये MSI ऐप प्लेयर है जो कि ब्लूस्टेक जैसा है, ब्लूस्टेक 5 जैसा। तो इसका मैं गेम सेटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं फुल कर देता हूँ। तो गाइस, अपने हिसाब से तो मैंने सभी सेटिंग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो जो मैंने सेटिंग किया है, यहाँ पर ग्राफिक में और डिस्प्ले में, अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लेना इस सेटिंग को। तो मेरे वीडियो जो है लंबा हो सकता है, तो पूरा जो हम दिखाएंगे आप लोगों को सेटिंग के साथ में, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो में आप लोग बने रहना। लेकिन नहीं तो आप लोग कुछ भी पार्ट जो है वो मिस कर दोगे, फिर बोलोगे कि चलता है कि नहीं चलता है। आप लोग पहले सेटिंग देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। लेकिन हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आप लोग को सही मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे की ओर आप लोग को FPS शो हो रहा होगा। तो FPS को हमने इनेबल कर दिया है, तो आप लोग अपने गेम के हिसाब से FPS इसमें कितना आता है आप लोग देख लेना। बाकी देखो, गेम प्ले में CS खेलूँगा, CS नहीं, मैं लोन वॉल्व खेलूँगा। और पहले गेम का सेटिंग भी दिखाता हूँ, तो इसमें कौन सा सेटिंग होने वाला है, और सभी गेम हम खेल के दिखाएंगे, BR, CS सभी। तो देखते हैं, यहाँ पर सेटिंग में देख लो, यहाँ पर मैं जो स्मूथ है, तो इसको जो हमने क्या करना है, इसको हम जो अल्ट्रा कर देते हैं, अल्ट्रा कर देते हैं, ताकि ये प्रोसेसर देखते हैं लोड कितना लेता है, ताकि आप लोग अच्छे गेम प्ले करो। और उसके बाद देख सको सभी में हाई रेस, हाई FPS सबको मैंने पूरा मतलब फुल कर दिया, ताकि आप लोग कोई सा भी इंफॉर्मेशन जो आप लोग मिस ना कर पाओ। अब मैं जो इस लोन वॉल्व को लगा देता हूँ, और कितना FPS हमें देता है पहले आप लोग देख सकते हो। नीचे तो यार FPS आप लोग देख लो यार, 13-12 का FPS मिल रहा है यार भाई, इसमें गेम प्ले कैसा होगा। लेकिन मैं भी पहले तो मैं अल्ट्रा में करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मीडियम में सेटिंग में करके आपको दिखाऊंगा कि कितना FPS देता है। तो पहले आप लोग लोन वॉल्व का हाल देख लो। अगर इस प्रोसेसर में आप लोग को फ्री फायर खेलना है, तो पहले आप लोग देख सकते हो भाई, क्या ही है यार, क्या ही है यार, इस प्रोसेसर में कौन खेलेगा यार, और ऐसा गेम प्ले कौन खेलेगा, पहले आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोग का वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे, तो उसमें जो ऐसा ही चल रहा था, तो मैंने तुम लोगों ने, एक भाई ने कमेंट किया है, तो कमेंट में मैंने इस वीडियो को बनाया है कि पूरा FPS शो करके दिखाओ, भाई ने बोला है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो इसमें देख सकते हो 22-24 FPS, 28 दे रहा है, कभी कभी तो यार 10 FPS, 11 FPS ऐसा दे रहा है। तो ऐसे में अगर दे रहा है फ्री फायर, तो नहीं चल पाएगा। बाकी मैं मीडियम सेटिंग में आपको करके दिखाऊंगा। तो पहले आप लोग देख सकते हो, ये लोन बल्ब का ये हाल है, हाई सेटिंग पे है, और मैं जो लो सेटिंग में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। और हाँ, मेन जो गेम खेलने के लिए जो होता है,
अगर स्मूथली रन होता है वो गेम तो 60+ FPS जाना चाहिए। कोई भी गेम हो, फ्री फायर हो, BGMI, कोई भी हो, मतलब गेम, अगर आपका प्रोसेसर में अगर कोई से भी प्रोसेसर हो, अगर 60 FPS+ जाता है तो गेम सही माना जाता है, मतलब सही FPS दे रहा है। उससे कम किया होगा तो भाई एकदम लैग फील होता है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा तो गेम अटक 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 के चल रहा है भाई, 15 FPS, 29 FPS। वाह भाई, इसमें कौन गेम खेलेगा, तुम ही लोग बताओ। मैं तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन हाँ एक बार है जो इसमें जो आप लोग ग्राफिक कार्ड लगा लोगे तो ग्राफिक कार्ड में ये जो गेम है आप लोग जो है 60 FPS पे आप लोग खेल पाओगे। एक ग्राफिक कार्ड है जो इसमें लगने वाला है, मैं लगाऊंगा भी, और अभी नहीं लगाऊंगा, जब लगाऊंगा आप लोगों को दिखा दूंगा। तो उस ग्राफिक कार्ड का नाम है GTX 6050। तो 4 GB का जो ग्राफिक कार्ड है DDR6 है, तो वही मैं लगाऊंगा। इससे नीचे का आप लोग ग्राफिक कार्ड मत लगाना, नहीं तो फिर बढ़िया नहीं चलेगा। तो मैं जो ग्राफिक कार्ड लूँगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा फिर। और हाँ, थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो ताकि ग्राफिक कार्ड यार हम ले पाएँ। तो आप लोग देख सकते हो मैं तो भाई कट करता हूँ, मुझे नई गेम प्ले खेलना है। ऐसा यार अटक अटक के चल रहा है क्या, मतलब फ्री फायर इसमें डाउनलोड किया है ऐसे ही दिखाने के लिए। आप लोग देख सकते हो लॉबी में ही अटक रहा है यार, देख लो 15 FPS, 25, 17 FPS, 12 FPS, इतने में कौन खेलेगा। बाकी चलो मैं आप लोगों को एक बार जो है बैटल रॉयल VR लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ उसमें कितना FPS मिलता है। और बाकी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप वीडियो को लाइक कर दो। भाई मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो फेक नहीं होता, एकदम रियल होता है, और रियल तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आप लोगों को सही मिलेगा। और ये प्रोसेसर जो है i5 3570K है, तो इस पे अनबॉक्सिंग भी है इस प्रोसेसर का, और भी वीडियो है चैनल पे जाके आप लोग जाके देख सकते हो। और मैंने फ्री फायर उसमें भी खेला है इसमें, लेकिन FPS शो नहीं किया था, और मीडियम पे भी खेला है, तो वो भी चैनल पे वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा कि इसके साथ जो ग्राफिक कार्ड लोगे तो वो यार वो मतलब GTX 1050 Ti या फिर GTX 6050 ही लेना, इससे कम वाला मत लेना। अगर आप लोग का बजट में आप लोगों को गेमिंग करना चाहते हो और आप फ्री फायर ही मतलब खेलना चाहते हो एकदम मीडियम सेटिंग पे 60 FPS 60 FPS से, तो आप लोग को वही आप लोग को दो जो है ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। बाकी कोई सा भी मत लेना उसके आगे का, नहीं तो आप लोग भाई गेम प्ले एकदम मजाक हो जाएगा। ज़्यादा लो लोगे अभी तो चलेगा भी नहीं, वो यही दो कार्ड है जो इसमें चलेगा। भाई देख लो यार हाई सेटिंग पे आप लोग देख सकते हो क्या हाल है, मतलब VR का क्या हाल है, देख लो 10 FPS, 12 FPS, 9 FPS। वाह भाई वाह, इसमें कौन गेम खेलेगा बताओ। चलो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ब्राइट है, तो मैं इसको थोड़ा क्लासिक करके देखता हूँ क्या FPS इंक्रीज होता है कि नहीं। चलो इसमें मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर 14, 17। भाई आप लोगों ने बोला था ना, तो मैंने कमेंट पे वीडियो बनाया है ये वाला, तो आप लोग देख सकते हो। बाकी मैं एक बार मीडियम सेटिंग पे भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि कोई भी आप लोगों का मतलब ऐसा ना रह जाए कि हाँ मीडियम सेटिंग पे नहीं दिखाया, दूसरा वीडियो देखने का मतलब ज़रूरत नहीं है, मैं इसी वीडियो में सब दिखा देता हूँ। और हाँ मैं ले लूँगा, आप लोग को बता दूँगा, इसमें जो है GTX 1650 ले लूँगा, तो मैं लगा के दिखाऊँगा इसमें। तो भाई देख सकते हो 18 FPS 17, भाई 30 FPS आएगा तो थोड़ा बहुत, हाँ यार गेम बहुत बढ़िया चल रहा है 30 FPS पे तो होता है। ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ही ऐसा गेम चल रहा है, ऐसा नहीं है, मैंने बिना रिकॉर्डिंग के भी गेम देखा है ऐसा ही चलता है। हाँ थोड़े देर के लिए शुरू शुरू में जो इसको ओपन करोगे तो बढ़िया चलेगा, उसके बाद 10-15 मिनट बाद ऐसा ही चलने लगता है इसमें। तो फिर भी मैं तो आप लोगों को दिखा देता हूँ गेम प्ले करके।
बाकी जो हम मीडिया सेटिंग करके मैं दिखा देता हूँ, ताकि इसमें मैं चलो बैक करता हूँ, चलो बंदे ने मार ही दिया, मैं बैक करके आप लोगों को मीडियम सेटिंग पे दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को कोई जो है वैसा ना रह जाए कि हाँ मैंने फिर ये वाला छोड़ दिया इन्फॉर्मेशन। तो भाई लोग बढ़िया से देखो वीडियो, और ये वाला प्रोसेसर लेने के बाद आप लोग क्या सोच रहे हो तो वो भी आप लोग देख लेना। अगर हम फ्री फायर के लिए ले रहे हो तो भाई प्रोसेसर के साथ में इसके साथ आप लोगों को ग्राफिक कार्ड भी लेना पड़ेगा। और मेरे पास जो है 8 GB का रैम है, 4 4 GB का 2 स्टिक लगाया हूँ मैं, और SSD पे इंस्टॉल किया हूँ इस गेम को। तो भाई मैं क्या करता हूँ, स्मूथ में कर देता हूँ और नॉर्मल कर देता हूँ सब कुछ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। और चलो हाई हाई FPS को ऐसे ही रहने देते हैं, कितना FPS आ रहा है वो तो शो करेगा ना। तो इसमें चलो मैं बैटल रॉयल को लगा लेता हूँ फिर इसमें, अब देखते हैं कितना FPS हमें मिलता है। तो स्मूथ में गाइस थोड़ा बहुत अच्छा मेरे को भी पता है, मिलता है, मैंने खेला भी है स्मूथ में, थोड़ा बहुत बढ़िया मिलता है FPS। भाई देखो यहाँ पर आप लोग का मेन FPS है जो ना, ये लॉबी में आओगे ना तो यहीं पे पता चल जाता है कि कितना FPS गेम में मिलने वाला है। मेन जो है लॉबी में ही पता चल जाएगा, कोई भी हो ऐसा लॉबी में अगर अटक रहा है तो समझो कि हर जगह अटकेगा। तो लॉबी में आप लोग देख सकते हो 12 FPS, 15 FPS यही शो कर रहा है, 10 FPS। तो भाई इतना में कोई गेम नहीं खेलता है, मिनिमम जो होता है वो 30 FPS टू 50 FPS, इससे कम नहीं, इससे कम में खेलोगे तो सही नहीं आएगा। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर तो यार 42 FPS, 28 FPS शो तो कर रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं जो जंप करता हूँ उसके बाद देखता हूँ कितना FPS मेरे को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं उतर जाता हूँ, और भाई देखो यहाँ पर 20 18 FPS 21 FPS मिल रहा है इस गेम में। तो भाई मैं तो बोलूँगा कि यार बिना ग्राफिक कार्ड के गेम नहीं चल सकता है। और ये जो अगर प्रोसेसर ये जो अगर बढ़िया भी रहता है, मान चलो गर्मी का दिन है तो ऐसे चल रहा है, तो अगर बढ़िया भी रहता है तो भाई देखो 30 FPS से ज़्यादा जाएगा ही नहीं ये वाला में। तो तब 30 FPS भाई बहुत बेकार गेम प्ले होता है, उसमें भी नहीं होता। तो भाई लोग आप लोगों ने देख लिया, और ये देख लो गेम प्ले ऐसा ही हाल है। तो अगर मैं लेता हूँ अगर GTX 6050, तो आप लोगों को गेम प्ले करके भी दिखाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं सबका रिप्लाई दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा। तो बस चलो बाय। Double takedown. Oh.